हाय गाइस, दिस इज मी आयशा। वेलकम बैक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। मैं एकदम मस्त फर्स्ट क्लास हूँ। तो या आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड आज का वीडियो होने वाला है हॉल वीडियो, जिसमें कि मैं लेकर आई हूँ नाइट वेयर प्लस बाथरॉब, जो कि मुझे बहुत अच्छे मिले थे और लाइक मिंत्रा पे काफ़ी सस्ते थे और मुझे काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि मैंने अर्बैनिक से लास्ट टाइम बाथरूम मंगाया था तो वो मुझे मिला था समथिंग 1800 और 1900 का, बट अभी मुझे सिर्फ मिला है 487 रुपीज़ में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए। तो उसमें है बाथरूम एंड नाइट सूट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखना, स्किप मत करना। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक कलर का नाइट सूट, जो कि मैंने मंगाया सिर्फ 499 रुपीज़ का, बहुत सस्ता था। सेल चल रही है, 1499 का इसका MRP है, बट जो मुझे मिला है वो सिर्फ 499 में मिला है। तो लेट्स सी इसका फैब्रिक कैसा आया है। तो ये है वो 499 रुपीज़ का, इसका MRP है 1499। ओके, सो फैब्रिक काफ़ी अच्छा है। उसको क्या कहते हैं, लाइक्रा फैब्रिक है, लाइक्रा वाला, एंड बिल्कुल सॉफ्ट है, कभी ख़राब ना होने वाला है। बट आई गेस ये थोड़ा सा ट्रांसी है। हाँ, ये ट्रांसपेरेंट है, तो आप इसको नाइट में पहन के नहीं सो सकते हो, बिकॉज़ ये ट्रांसपेरेंट है। और ट्रांसपेरेंट फिर आप कुछ भी पहनोगे तो फिर दिखेगा। बाकी फैब्रिक अच्छा है बट ट्रांसपेरेंट है, तो नाइट के लिए मे बी नहीं चलेगा। एंड ये है इसका नीचे का पजामा, एंड पजामा भी ट्रांसपेरेंट है, तो मतलब कपड़ा रात को सोने लायक है ही नहीं भाई, सब कुछ दिखेगा इसमें। तो गाइज ये मतलब मत लेना, क्योंकि रात को कंफर्टेबल होके सोने का होता है, ना कि ये के अंदर बहुत सारे कपड़े पहन के सो, तो नहीं रिकमेंड करूँगी बिल्कुल भी। सो गाइज ये मैंने पहन लिया, एंड पहनने के बाद तो काफ़ी कंफर्टेबल है एंड ट्रांसपेरेंट तो है, बट आई गेस रात में लाइटिंग की वजह से नहीं दिख रहा है, बट मे बी दिन में दिख सकता है। बट साइज एंड ऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी बस एक मुझे ट्रांसपेरेंट का ही थोड़ा सा डाउट है, तो आप लोग देख सकते हो, मंगा सकते हो, अगर आपको लगेगा ट्रांसपेरेंट है तो आप रिटर्न भी कर सकते हो, रिटर्न पॉलिसीज है। तो वैसे ओवरऑल काफ़ी अच्छा है एंड बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल है। दिस इज द सेकेंड नाइट सूट जो कि मैंने मंगाया है 479 रुपीज़ का, ठीक है। एंड प्रिंटेड है, ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, दिखने में तो ठीक लग रहा है। बाकी डाई प्रिंटेड है, तो मे बी इसका प्रिंट खराब ना हो। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या फैब्रिक आया है इसका। छूने से है जल जाओगे, समझो ना फुल बाड़ी। तो ये है हमारा नाइट सूट सेकेंड वाला जो मैंने मंगाया था, एंड इसका जो कपड़ा है वो कॉटन का कपड़ा है, एंड दिस इज नाइस, दिस इज नाइस, एक्चुअल में नाइस। इसका फैब्रिक अच्छा है, कपड़ा बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, सॉफ्ट है, लाइक कंफर्टेबल है, नाइट में पहन के सोने के लिए काफ़ी अच्छा है। साइज मैंने इसका एल मंगाया है, तो ये इसका अपर था, एंड ये है इसका पजामा। तो 479 के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, बहुत सस्ता है, एंड कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये वाला मुझे अच्छा लगा, इसके मे बी मैं और भी कलर्स ऑर्डर करने वाली हूँ। तो चलो इसको ट्राई करते हैं, लेट्स सी ये कैसा लग रहा है मुझ पे। सो ये मैंने पहन लिया है, और पहन के ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल है, लाइक ए शॉर्ट कुर्ते टाइप का लग रहा है ये, एंड कॉटन का है, काफ़ी प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, फैब्रिक भी काफ़ी पतला है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये वाला, पहन के बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एंड 490 रुपीज़ में और क्या ही चाहिए आपको। कलर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसमें 3-4 कलर्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली मंगा सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। साइज
और आपको ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। सो दिस इज माई थर्ड नाइट सूट, नाइट सूट लाइक नाइटी नाइट ड्रेस, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। इसका जो कपड़ा है वो साटिन का कपड़ा है और प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो 687 रुपीज़ की ये मुझे पड़ी है। MRP इसका 1599 का है, ऑलमोस्ट 1600, तो मुझे 687 की पड़ी है। तो लेट्स सी हमको क्या रिसीव हुआ है। पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है। मिंत्रा में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि उसके पैकेजिंग काफ़ी अच्छी होती है। सो ये है हमारी नाइट ड्रेस। ओके क्लिप्स भी लगाए हैं साइड पे ना, अच्छे से पैकिंग किया है। तो ये है हमारा नाइट सूट, नाइट ड्रेस सॉरी, एंड काफ़ी अच्छा है। फैब्रिक बहुत अच्छा है, हेवी है, ट्रांसपेरेंट नहीं है एंड वेटेड है, मतलब साटिन बहुत अच्छा वाला साटिन है इसका। तो अगर आप इसको लेते हो तो बहुत कंफर्टेबल है, प्रिंट भी बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में भी, और ओवरऑल अगर आप इसको एक बार बाय करते हो तो लॉन्ग टाइम ये चलने वाला है। वेरी नाइस, आई लाइक इट। ओके एंड ये है इसका, क्या है ये रिबन, लाइक आप इसको बांध सकते हो। ठीक है, तो अच्छा है ये वाला नाइटी, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। ओके गाइस, तो ये नाइट ड्रेस है और नाइट ड्रेस मैंने पहन लिया है। सी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, साटन का फैब्रिक है, टच करने में बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है एंड स्लीव्स भी बहुत अच्छी है। अंदर से भी इसमें नॉट दिया हुआ है जिसको आप बांध के अपने अकॉर्डिंगली फिट कर सकते हो, और एक नॉट इसमें यहाँ साइड से दिया है जिसको बांध के। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी नाइट ड्रेस है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है और फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है कि जिसकी वजह से कुछ भी ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कंफर्टेबल नाइटी है ये। तो गाइस ये है अब हमारा बाथरोब जो कि मैंने मंगाया है ब्लैक कलर का, एंड ये मुझे बहुत सस्ता लगा। इसका जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस जो है वो है 1499, एंड जो मुझे पड़ा है वो मुझे पड़ा है 487 रुपीज़ का। तो मैंने इसके दो कलर मंगा लिए थे, एक ब्लैक एंड एक ग्रे, तो दोनों ही मुझे रिसीव हो चुके हैं। एंड मुझे यही सेम चीज़ मुझे अर्बेनिक से मिली थी, 1899 समथिंग कुछ की मिली थी। तो ये है वो बाथरोब जो कि मैंने मंगाया है एंड बहुत अच्छा है। सी काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी टॉवल नहीं है बट अच्छा है, दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, कलर भी काफ़ी प्यारा है। इसमें ये अटैच्ड है ताकि आप इसको अपने हिसाब से बांध सको एंड फैब्रिक काफ़ी अच्छा लग रहा है। साइज़ इसमें कोई साइज़ नहीं था, फ्री साइज़ होता है ये, तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जो इसमें सेकंड है वो है ये ब्लैक कलर का, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था ये, तो मैंने दोनों ही ऑर्डर कर दिए थे। तो एक ब्लैक कलर मंगाया था एंड एक ग्रे कलर मंगाया था, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे थे। तो लेट्स सी, वैसे तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा लग। ये मैंने पहन लिया है, पहनने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल है, कलर भी बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रहा है एंड फिटिंग भी बहुत अच्छा है। इसमें साइज़ है, आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग ही मंगा सकते हो। मैंने जो साइज़ मंगाया मैंने M ऑर्डर किया था एंड मुझे ओवरऑल बहुत पसंद आया। एंड ये बाथरोब में और भी मंगाने वाली हूँ, इसके सारे कलर्स मंगाने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ वीडियोस बनाने का। एंड नहा के लाइक आप अंदर कभी कभी कपड़े चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको बाहर पहन के आ सकते हो एंड ये बहुत कंफर्टेबल है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये वाला ना। सो दिस इज़ द ब्लैक कलर, सेम फैब्रिक है, सब कुछ सेम है, उसी का डिफरेंट कलर है। तो आप सोच ही सकते हो कि ये मुझे कितना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने इसके सेम दो कलर मंगा लिए हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है एंड ब्लैक तो एवरग्रीन होता है कि आप कभी भी पहनो तो एकदम परफेक्ट ही लगता है। इसका मैं व्हाइट कलर भी मंगाने वाली हूँ एंड बेबी पिंक भी मंगाने वाली हूँ, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, आप वो ऑर्डर कर सकते हो। एंड गाइस बहुत कंफर्टेबल है, इवन यू नो वॉट मैंने मंगाया था
अर्बैनिक से लाइट पिंक कलर का, और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने 1900 का मंगाया था और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी मेरा जो फेवरेट ब्रांड हो गया है वो है मिंत्रा। तो मिंत्रा पे मुझे क्वालिटी का कोई इशू नहीं होता, बहुत ओवरऑल काफ़ी अच्छा आता है। तो मिंत्रा तो एक नंबर है। तो गाइज कैसा लग रहा है, आप कौन सा आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, आप ज़रूर कमेंट से। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन टू गेट नोटिफिकेशन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।